देह व्यापार के मामले में इंदौर के विजयनगर पुलिस ने 5 ब्रोकर्स को गिरफ्तार किया है, जहां एक आरोपी को मुंबई से तो वहीं दूसरे को इंदौर से पकड़ा है। वहीं 3 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी आशुतोष बागरी ने पलासिया पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता कर बताया कि वेश्यावृत्ति करवाने वाला मुख्य आरोपी विजय दत्त पिता विमल दत्त लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, जो मुंबई से भागकर इंदौर आया था, तो पुलिस ने उसे दबोच लिया। आशुतोष बागरी ने बताया कि इंदौर के कालिंदी गोल्ड सिटी में आरोपी विजय उसके साथ ही उज्जवल के घर ठहरा हुआ था। एसपी आशुतोष बागरी को आरोपी ठिकाने की लोकेशन मुखबरी से प्राप्त हुई और पुलिस ने तुरंत आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। यहां से 2 लड़कियां भी मिली हैं जो बांग्लादेशी हैं। वहीं सूत्रों की माने तो मामले में विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी की टीम द्वारा मुंबई से एक और एजेंट को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया विजय बांग्लादेशी है और वह मुंबई के नाला सुपारा क्षेत्र में रहने लगा था। विजय बांग्लादेशी एजेंटों से लड़कियां खरीदता था और उन्हें मुंबई लाता था। इसके बाद लड़कियों को गुजरात और इंदौर में सप्लाई करता था। पुलिस के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा गिरोह है जो महिला पुरुष एजेंटों के जरिए लड़कियां खरीदता था और उन्हें देश के अन्य हिस्सों में भेजता था। हिंदुस्तान में बांग्लादेशी लड़कियों का सबसे बड़ा तस्कर रहा है ये। इससे पहले इंदौर पुलिस ने 2020 में एक देह व्यापार से मुक्त कराया था करीब 21 लड़कियों को, और इसमें जो है करीब 33 आरोपी पकड़ाए थे उस समय पर। तो जब इनसे पूछताछ हुई थी तो ज़्यादातर लोग जो है इसका विजय दत्त नाम के आदमी का नाम लेते थे और उज्जवल ठाकुर का। बाकी इसमें करीब 33 आरोपी हम लोगों ने गिरफ्तार किए थे, ये 2 जो है बचे हुए थे। इसके बाद अभी इसमें 2021 में 15 नवंबर के आसपास हमने फिर 5-6 लड़कियों को पकड़ा, बांग्लादेशी लड़कियाँ थी वो, और उस वहाँ पर भी उनसे भी जब पूछताछ में बात सामने आई तो ये बात सामने आई कि इनके पीछे भी विजय दत्त और ये उज्जवल ठाकुर ही हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए, क्योंकि विजय दत्त जो है सभी लोग विजय दत्त का नाम ले रहे थे, लेकिन उसका असली नाम क्या है और वो उसका फ़ोटो या कि उसका पहचान कुछ भी पुलिस के पास में नहीं थी। और ये कभी फ्रंट में आके काम नहीं करता था कि कहीं से इसकी जो है आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इसकी रिवील हो जाए। तो इसको जो है पुलिस ने ट्रैप लगाया और ट्रैप लगा करके इसको पकड़ा। यहाँ से एक टीम जो है गई इंदौर से, करीब 1 हफ्ता टीम जो है मुंबई में रही। मुंबई में टीम ने पूरी रेकी करी इसकी और इसका जो है पता लगाया कि ये विजय दत्त कौन है। तो जो बात सामने आई कि ये विजय दत्त इसका असली नाम नहीं है, असली नाम इसका मोमिन है, ये बांग्लादेश का रहने वाला है और बांग्लादेश में पाबना जिला रसई जगह है वहाँ का ये रहने वाला है। वहाँ पर इसकी बीवी है, इसके 2 बच्चे हैं और ये जो है हिंदुस्तान में भी आया, हिंदुस्तान में भी आके इसने शादी करी, यहाँ भी इसके बच्चे हैं। और इसके बाद ये इसमें मतलब वेश्यावृत्ति के काम में लड़कियों को लगाने लगा। एसपी आशुतोष बागरी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी विजय मूलतः बांग्लादेश का रहने वाला है। उसका असली नाम मामून है, क्योंकि करीब 25 साल पहले हिंदुस्तान आया था और बीते करीब 10 वर्षों से वह देह व्यापार का कार्य कर रहा है। पुलिस के अनुसार सबसे पहले उसने किसी एजेंट के जरिए राशन कार्ड बनवाया और सिर्फ राशन कार्ड के आधार पर पासपोर्ट तैयार करवाया। पुलिस के अनुसार आरोपी विजय हवाला के जरिए हिंदुस्तान से बांग्लादेश पैसे भेजता था। वहीं विजय की बांग्लादेश में पत्नी और बच्चे हैं, तो वहीं हिंदुस्तान में भी उसने दूसरी शादी कर रखी है, यहाँ भी उसके बच्चे हैं। बांग्लादेश में रह रही विजय की पत्नी महिला कल्याण से जुड़ी एक एनजीओ संचालित करती है, जो कि बेरोजगार और जरूरतमंद लड़कियों को वहाँ पर फंसाती हैं और उन्हें आरोपी भारत लेकर आ जाता था, जहाँ भारत में विभिन्न राज्यों में लड़कियों को सप्लाई किया जाता था। मध्य प्रदेश में भी आरोपी विजय का एक बड़ा गिरोह लड़कियों को सप्लाई करने का कार्य करता है। एसपी के मुताबिक इंदौर सहित उज्जैन, खंडवा, राजगढ़, जबलपुर, भोपाल व देश के अन्य राज्यों में देह व्यापार का कार्य संचालित किया जा रहा था। इसने बनवा रखा था, इसकी जो वाइफ है, वाइफ ने भी पासपोर्ट जो है वहाँ पे बांग्लादेश का पासपोर्ट इसके पास में है और वहाँ से वो जो है लगातार आती जाती रहती थी और ये भी बांग्लादेश जाता रहता था। इसमें असल में क्या है कि जो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो उसका जो भौगोलिक जो संरचना है वो काफ़ी जो है नदी जंगल पहाड़ इस तरह से बहुत उबड़ खाबड़ का इलाका है। तो उस समय पर क्या था कि अब तो वहाँ पर फेंसिंग हो गई है, पहले फेंसिंग नहीं थी, तो फ्री फ्लो इनका जो है आवागमन होता था और उसमें जो है ये बहुत सारे जो लड़कियां हैं ये पार कराते थे। और वर्तमान में भी इसमें यही है, क्योंकि क्या है जो बांग्लादेश है और जो पश्चिम बंगाल है तो वहाँ की भाषा और कल्चर दोनों सेम है। इसके कारण जो है जो दूरदराज की लड़कियां होती हैं उनको कई बार पता भी नहीं चलता है कि वो बॉर्डर क्रॉस कर रही हैं। बाद में जब वो हिंदी भाषा आने लगेगी, जब उनको ट्रांसफ़र करेंगे, तो उनको समझ में आता है कि अच्छा उनको हिंदुस्तान ले आया गया है। और वहाँ से जब ये लड़कियों को लेकर के आते हैं तो लड़कियों को ये बता करके लेके आते हैं कि
तुमको जो है जो घरेलू काम है झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाने का, इस तरह का काम तुमसे कराया जाएगा और बाद में इनको जो है वेश्यावृत्ति के काम में ढकेल दिया जाता है। जो इसकी वाइफ है बांग्लादेश में एक एनजीओ से जुड़ी हुई है और ये वहाँ पे महिला कल्याण के लिए जो एनजीओ काम करता है उसके नाम पे लड़कियों की रेकी करती है कि जो लड़कियाँ मजबूर बेसहारा या कि अनाथ होती हैं इनको ये टारगेट करती है और काम दिलाने के नाम पे बॉर्डर पार करा के ले आते हैं इसको। और इसके बाद यहाँ पे ये जो विजय दत्त है और मामून ये इनको हिंदुस्तान के डिफरेंट पार्ट में इनकी सप्लाई कराता है। तो जो पूछताछ में बात पता चली है अभी तक कि ये जो मध्य प्रदेश में ही यदि बात करें तो इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, राजगढ़, खंडवा, खरगोन, हर जगह पे इन्होंने जो है अपने एजेंट बना रखे हैं और इन एजेंट के माध्यम से ये मुंबई से और बांग्लादेशी जो लड़कियां हैं उनको भेजने का काम करते हैं और यहाँ पे जो लोकल लेवल के इनके एजेंट हैं आगे इनकी सप्लाई करते हैं। इसके अलावा केवल मध्य प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान के जो दूसरे पार्ट हैं जैसे कि सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, ठाणे, पुणे और बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, बहुत सारी जगह पे इनके एजेंट हैं जहाँ पे कि ये बांग्लादेशी लड़कियों को भेजा जाता है इनके द्वारा और ये संख्या हज़ारों की संख्या में है क्योंकि एग्जैक्ट ये करीब 10 साल से काम कर रहा है। तो 10 साल के दौरान पे ये हज़ारों लड़कियों को लेके आया है और ला करके डिफरेंट पार्ट में हिंदुस्तान के इसने सप्लाई की है, एग्जैक्ट संख्या ये खुद भी नहीं बता पा रहा है। तो ये बात सामने आई है। इसके बाद जो इससे पूछताछ में पता चला है कि ये जो है करीब 25 साल पहले हिंदुस्तान आया था और हिंदुस्तान आकर के इसने राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वा लिया एक लोकल व्यक्ति से मिल करके और उस राशन कार्ड के आधार पर इसने जो है आधार कार्ड तैयार करवा लिया, पासपोर्ट तैयार करा लिया, वोटर आईडी कार्ड तैयार करा लिया और यहाँ पे विजय दत्त पिता बिमल दत्त के नाम से ये रहने लगा। इसके जो आधार कार्ड वगैरह हैं वो जब्त हुए हैं। यहाँ से ये पूरा करिकुलम करता था और जो पैसा होता था पैसा ये बांग्लादेश हुंडी या हवाला के जरिए ये बांग्लादेश भेजता था। इसमें जो पूछताछ में इसने बताया कि बांग्लादेश बॉर्डर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये काम करते हैं और कुछ बड़े शहर हैं वहाँ पे भी ये लोग हैं जो कि पैसे भिजवाने का काम करते हैं, उस पर भी वो एक अलग लाइन है, उस पर पुलिस काम कर रही है। इसके अलावा जो इसमें जो लड़कियाँ होती थी ये इनके चंगुल में बहुत बुरी तरह फंस जाती थी, इनके पास निकलने का कोई विशेष जो रास्ता है वो बचता नहीं था क्योंकि ये इनको लगातार धमकी देते थे कि तुम बांग्लादेश से आई हो, तुम्हारे पास में कागज़ नहीं है और यदि तुम पुलिस के पास गई तो पुलिस तुमको पकड़ के जेल में बंद कर देगी। तो इस डर से लड़कियां ये पुलिस के पास में नहीं आती थी और ये लगातार इनका शोषण होता रहता था। करीब जो है 5 से 7 जो है इनके लड़कों के पास इनको भेजा जाता था और इनको जो है जो भी पैसा मिलता था बहुत ही कम अमाउंट इनको मिलता था लड़कियों को और इनकी क्षमता बढ़ाने के लिए ये एमडी और दूसरे अदर ड्रग्स हैं उनका भी इस्तेमाल करते थे। इस दिशा में भी पुलिस जो है अपना काम कर रही है। इसमें निश्चित तौर पे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें पूछताछ की जा रही है इनसे क्योंकि इसमें जो है जैसा कि हमने बताया कि हज़ारों की संख्या है और जितनी इन्होंने लड़कियों को लेकर के आए हैं बांग्लादेश में और हिंदुस्तान के पूरे अलग अलग हिस्सों में इन्होंने लड़कियों की सप्लाई की है वो भी इनसे पूछताछ की जा रही है। और जो संबंधित एजेंसी जैसा हमने बताया इसमें कि हवाला और हुंडी के जरिए पैसा भेजते थे और इनका जो फर्जी आधार कार्ड और इस तरह की चीज़ें बनाने का भी इनका एक नेटवर्क है, उन सभी दिशाओं में पुलिस काम कर रही है। पासपोर्ट नकली नहीं कहेंगे क्योंकि इसने क्या किया था कि राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वा लिया था विजय दत्त और पिता बिमल दत्त के नाम से। तो जब राशन कार्ड में नाम आ गया तो राशन कार्ड के नाम के आधार पे इसने जो है आधार कार्ड बनवा लिया। जब आधार कार्ड बन गया, यहाँ के लोकल डॉक्यूमेंट बन गए, तो फिर पासपोर्ट भी इसका तैयार हो गया। तो इस तरह से इसने पासपोर्ट तैयार करा लिया यहाँ का और फिर वो अपना तो एक तरह से वो अपने आप को उसने लीगलाइज बना लिया करके। और ये जो लड़कियाँ भी आती हैं बांग्लादेश की, तो जो लड़कियाँ यहाँ लंबे समय रह जाती हैं उनका भी ये लोग आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट इस तरह की चीज़ें तैयार करवा देते हैं। अभी इसमें पूछताछ इससे की जा रही है, डिटेल पूछताछ की जा रही है किसने केवल हिंदुस्तान में भेजा या हिंदुस्तान के बाहर भी इसने सप्लाई की है। लेकिन अभी ये पक्की बात है कि इसने जो है हिंदुस्तान के डिफरेंट हिस्सों में, मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में इसने जो है लड़कियों की सप्लाई की है और यहाँ किसके जो लोकल एजेंट हैं जैसे कि यहाँ पे उज्जवल ठाकुर है और एक सेजल नाम का आदमी था वो भी इसमें मुख्य रूप से इनसे जुड़ा हुआ। वहीं एसपी ने बताया कि आरोपी विजय दत्त उर्फ मामून के साथ ही पुलिस ने उज्जवल बबलू, दिलीप बाबा और प्रमोद को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इंदौर शहर में ही करीब 100 से ज्यादा लड़कियों को इन्होंने देह व्यापार में धकेल रखा था। वहीं पूरे देश में हजारों लड़कियां इनके लिए वैश्यवृत्ति कर रही हैं। मामले में फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।
मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।